يا نبي سلام عليك ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم موزة أو سامين ناظرين अलमदुल्ल त हमने अपनी पिछली नशस्त में मुकाम रसालत और हजीयत हदीस और सुन्नत के सिलसिलावार मौज़ु पर गुफ्तु करते हुए मुख्तलिफ ज़राए इल्म की बहस के तहत जदान की ख़्वाब की और विजदान की बहस को मुकम्मल किया हवा से ख़मसा अक्ल और विजदान इंसान के अंदर वदियत किए गए ये जो तीन सोर्सेज हैं उनमें तीसरे सोर्स पर हम अपनी गुफ्तु को ला चुके हैं और विजदान यानि इंट्यूशन उसे समझाने के लिए इंसान की जो जाहरी और बातनी हालतें हैं उनको और ख़्वाब के रेफरेंस के साथ और नींद और बेदारी की हालतों को सूरज और ज़मीन के ताल्लुक के साथ वाज़े किया अब हम इस विजदान के बाप में वो जो पाँच लतफ़ हैं अपनी गुफ्तगु का आगाज़ उस नुकते से कर रहे हैं और इन जरा इल्म की बहस हवा से ख़मसा की अक्ल की फिर विजदान की और बिजदान के बाद में फिर आज लत खमसा की बहस जो आज शुरू हो रही है इस पूरी बहस का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान के अंदर वदीयत किए हुए इंसान की फ़ितरत में और उसकी तबीयत और शख्सियत में इनग्रेंड जो इन बिल्ट अल्लाह रब्ज़त ने जो तख्लीकी तौर पर ख़िलकी तौर पर जो उसके अंदर जराए इल्म के रख दिए हैं और जिनके बीज बो दिए हैं वो सारे के सारे इंसान की जुमला इल्म की ज़रूरतों की कफालत नहीं कर सकते इंसान की जितनी इल्मी ज़रूरतें हैं फिक्री ज़रूरतें हैं अखलाकी तकाज़े हैं उसके तबी तकाज़े हैं उसके माशरती तकाजे हैं समाजी तकाज़े हैं उसके मावराई तकाज़े हैं जितने भी वो सारे के सारे तकाजे और उसके शूर से उठने वाले जुमला सवालत का जवाब ये तीनों सोरसेज़ ऑफ़ नॉलेज मिल कर भी नहीं दे सकते इसलिए कि इंसान की जो ज़िंदगी है और इंसान की शख्सियत के अपने कई गोशे हैं और हर गोशे की एक अपनी अप, हर गोशे की एक अपनी दुनिया है ज़रूरत की ज़रूरिया की दुनिया है और हर हर गोशे की ज़रूरियात की दुनिया से फिर उसी तरह के हजार हज़ारहाँ लाखों सवालत और इस्तारात और हाजात उठती हैं और अक्ल और शूर इन तमाम सवालत का जवाब देने और इन तमाम ज़रूरियात की कफालत करने में काफ़ी नहीं है ये इंसानी शख्सियत का हयातियाती पहलू भी है जिसे हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कहेंगे उसके बेशुमार मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ कि शख्सियत के गोशे कितने हैं, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इंसान जिसको हम एक इकाई समझते हैं वो कितनी इकाइयों का मुरकब है उससे ये पता चल जाएगा कि कितना मल्टी डाइमेंशनल है इंसान या इंसान की पर्सनैलिटी और उसके कितने बेशुमार एस्पेक्ट्स हैं जिनमें से एक उसका बायोलॉजिकल है हयातियाती पहलू है इसकी एक अपनी ज़िंदगी है इसके एक अपने तकाज़े हैं और इसकी अपनी ज़रूरियात दूसरा फिर इंसान की ज़िंदगी का सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका समाजी और माशरती पहलू है जिंदगी का उसके अपने कई रिश्ते हैं कई तकाज़े हैं कई दायरे हैं कई ज़रूरिया हैं और उसकी तश्कील के लिए और उसकी तमीर के लिए और उसकी तकमील के लिए फिर अलग सी रिक्वायरमेंट्स हैं फिर इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक सकाफ़ती पहलू आता है कल्चरल एस्पेक्ट है वो फिर एक अपनी जगह अलग दुनिया है तो सकाफती पहलू हैं जिनसे सकाफ़त वजूद में आती है सोसाइटी के अंदर तहजीबी और सकाफ़ती वर्षे वजूद में आते हैं और इदारे वजूद में आते हैं इंस्टीट्यूशन सो उसकी एक अपने तकाज़े और उनकी तकमील की अपनी ज़रूरियात हैं तो बेोलॉजिकल एस्पेक्ट के बाद फिर सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट हुआ फिर उसके बाद कल्चरल एस्पेक्ट हुआ और फिर उसके बाद इंसान की लाइफ में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है उसका नफसियाती पहलू है और इंसान के नफ्सियाती पहलू में उसका शूर है उसका लाशूर है उसका तहत शूर है उन तमाम चीज़ों के फिर आगे तकाजे हैं वो अपनी उनकी मांग है उनकी डिमांड है और उनकी डिमांड की कफालत के लिए फिर इल्म के एतबार से और रहनुमाई के एतबार से फिर एक दुनिया है नफसियाती और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से आगे फिर इंसान का साइकिकल एस्पेक्ट है ये अनफुसी पहलू है इंसान का अनफुसी पहलू जिसमें इंसान के नफ्स और शूर के मुख्तलि फेजेज़ आते हैं जिसमें जज्बा है इरादा है अदराक है उनसे फिर डिवेलप होती हैं पूरी पूरी दुनियाएँ तो उसकी तकाज़े और उनकी ज़रूरिया हैं जो जिसकी तकमील इंसान मांगता है इसके बाद फिर इंसानी ज़िंदगी में ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट है मावराई पहलू है ये वो मावराई पहलू है जो इंसानी ज़िंदगी में आर्ट्स को रिलीजन को फिलासफी को लिटरेचर को अदब को पोइट्री को तश्कील देता है और वगैरह को तश्कील देता है फिर उस ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट से बढ़कर फिर इंसान का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिस पर हम अपनी गुफ्तगु आगे शुरू कर रहे हैं वो उसका रूहानी पहलू है इंसानी जिंदगी का और वो रूहानी पहलू है जो इंसान के नफ्स से उसके कल्ब और उसकी रूह और उसके बाद के लताइफ से बहस करता है अब अक्ल तो खुद इंसानी वजूद के मुख्तलिफ जो जवाहिर हैं उनमें से एक जौहर है वो साफ जाहिर है ना हर एक चीज का खुद इजराक कर सकती है ना हर एक की माहियत के ऊपर उसको कामिल दस्तरस है और ना हर एक की जरूरिया पूरी कर सकती है तो सिर्फ अकल पर अगर इन्हसार रहे और जबकि अकल का इसार हवा से खमसा पर है तो यह जाहरी इलम हो गया इस पर इसार रहे तो खुद इंसानी शख्सियत के अपने बेशुमार गोशे तिशना तकमील रह जाते हैं इंटेलैक्चुअल एस्पेक्ट की होगी इंटेलेक्चुअल और ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट की और जिस तरह पहले मैंने कुछ बयान किए थोड़े 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 उनके हर शोबा जिंदगी के कुछ गोशों की तकमील होगी कुछ की नहीं होगी और कई गोशे ऐसे हैं कि जिनकी तकमील अकल बतमाम कमाल नहीं कर सकती उसके लिए वो तीसरा सोर्स दरकार होता है और तीसरे सोर्स में जब हम एंटर होते हैं समझने के लिए तो जैसे मैंने कहा कि आवास इंसान की बॉडी के सोर्स हैं तो उसमें फिर उसकी सामिया है उसकी बासरा है उसकी शामा है उसकी जायका है उसकी लामिसा है जब अक़ल में आ गए तो मैंने कहा उसकी भी पांच फैकल्टीज़ हैं उसमें हिस्से मुश्तरक है सबसे पहले तो इससे मुश्तरक है फिर उसके बाद उसकी वाहिमा है इससे वाहिमा है फिर उसके बाद हिस्से ख्याल है फिर इससे वाहिमा है फिर उसकी हिस्से हाफिजा है फिर मुतर्रफ़ा है तो उसकी पांच चीज़ें हैं उसके बाद इसी तरह जब हम इसमें आते हैं तो इसके भी पांच लतफ़ हैं जब विजदान के बाद में उसके रूहानी सोर्स में एंटर होते हैं तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि लतफ़ खमसा भी बयान किए गए लतफ़ सिता भी छः भी कहे गए लतफ़ सबा भी कहे गए मगर मैं उन तीनों को जोड़कर पांच पाँच लतफ पांच का सेट हर जगह चला आ रहा है उनको मेंशन करना चाहूंगा इस लिहाज से मैं उसको लतफ़ नफ़ लतीफ़ नफ्स लतीफा कल्ब लतीफा रू लतीफा सिर और लतीफा खफी अखवा को खफी का हिस्सा बना के बात कर दूंगा और जो अकल का एक जौहर है उसको नफ्स या कल्ब उनके साथ मुतल कर लिया जाए तो ये पांच